हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारे रूम पे बनेगा बिरयानी, दोस्त लोग का पार्टी है, तो हम आधा किलो प्याज फ्राई करते हैं। अभी देखिए, इस तरह से हम प्याज को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्राई हो चुका है प्याज, और हम इसमें चिकन फ्राई करेंगे जो मसाला लगा के हम ऑलरेडी रख दिए थे 10-15 मिनट के लिए। इस तरह से हम चिकन डाल देंगे और हम फ्राई करेंगे। थोड़ा टाइम फ्राई होने दें। अब हम एक साइड हो चुका है, दूसरे साइड पलट देंगे चिकन को। बिरयानी के लिए हम चिकन फ्राई करते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राई हो चुका है। हम चिकन अब निकाल लेंगे फ्राई पिन से। इस तरह से चिकन फ्राई हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 3 किलो चिकन लिए थे, दोस्त लोग का पार्टी था, तो हम इतना फ्राई करके हम दिखा दिए हैं। इस तरह से हम पूरा चिकन निकाल लेंगे इसमें से, और हम चिकन ग्रेवी के लिए हम ले लिए हैं एक पतीला। पतीले में डाल दिए हैं तेल, तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे इस तरह से, हल्का सा हम चला देंगे। और हम इसमें डाल देंगे 1 किलो प्याज मैक्सिमम। सभी प्याज को इस तरह से हम डाल देंगे और इसको हम चला देंगे, अच्छे से मिला देंगे। प्याज हमारा मिक्स हो चुका है, और हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच नमक। और नमक डाल के हम फिर से एक बार चला देंगे, सभी को मिक्स कर देंगे अच्छे से। और हम इसमें इस पे डाल देंगे एक ढक्कन, और ढक्कन डाल के पकने दें 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज को हम चेक करेंगे, प्याज हमारा सभी सॉफ्ट हो चुका है। एक बार फिर से चला देंगे, और इसके साथ में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। करीब 50 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट है। फिर से सभी को मिक्स करेंगे, ग्रेवी तैयार करेंगे। एक बार और ढक्कन डाल के हम पकने दें। चेक करेंगे ग्रेवी को, ग्रेवी हमारा तेल छोड़ चुका है। फिर से एक बार चला देंगे, प्याज भी हमारा पूरा पक चुका है। देखिए तेल छोड़ चुका है। और हम इधर पानी गर्म करने के लिए डाल दिए हैं, इसमें चावल पकेगा, तो थोड़ा सा हम तेल डाल दें। और डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले। और हम इसमें एक नींबू गाड़ देंगे ताकि चावल सटे ना। इधर ग्रेवी भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। पूरे चिकन को फ्राई हम नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सभी चिकन को हम इस तरह से डाल देंगे।
और थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच हल्दी पाउडर, और हम एक ले ली है बिरयानी मसाला जो करीब 50 ग्राम है, पूरा डाल देंगे बिरयानी मसाला और कोई मसाला नहीं डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम सभी को मिक्स करेंगे, ग्रेवी और चिकन दोनों साथ में मिक्स होगा, अच्छे से मिला देंगे। और 1 कप पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बिरयानी का ग्रेवी ज़्यादा नहीं रहता है। फिर से एक बार हम चला देंगे, और चिकन को हम पकने दें ढक्कन डाल के 2 से 3 मिनट के लिए। इधर चावल का पानी हमारा बॉईल हो चुका है, तो हम इसमें करीब 1.5 किलो चावल डाल देंगे। चावल को हम भिगो के रख दिए थे 1/2 घंटा के लिए, धो के हम डाल दिए हैं। एक बार हम चावल को अभी चला देंगे ताकि एक दूसरे से चिपके ना चावल। और हम ढक्कन डाल के 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। ऑलरेडी पानी बॉईल हो चुका था, चेक करेंगे, चावल भी हमारा बॉईल हो चुका है अच्छे से। एटी परसेंट हमारा चावल पक चुका है। हम चावल को छान लेंगे और प्लास्टिक पे बिछा दिए हैं, और इस पे हम थोड़ा सा कलर डाल देंगे कि देखने में अच्छा लगे। इस तरह से हम प्लास्टिक पे बिछा के कलर डाल दिए हैं। चिकन भी हमारा पक चुका है, ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है। अब हम बिरयानी का लेयर लगाएंगे, थोड़ा सा हम चिकन नीचे डाल देंगे, और हम इस पे डालेंगे चावल, 2 से 3 चम्मच चावल डाल देंगे। फिर से चिकन डालेंगे, इस तरह से डाल देंगे, लेयर लगाएंगे। और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे, और जो हम प्याज फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे थोड़ा सा, और इसमें इस पे डालेंगे पुदीना और हरा धनिया। फिर से चावल डाल देंगे और चिकन भी डालेंगे, और प्याज फ्राई हुआ डाल देंगे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, काजू किशमिश बादाम, और डालेंगे धनिया और पुदीना। अब फिर से चावल डाल के और हम ढक्कन बंद करेंगे, थोड़ा सा हम डाल देंगे प्याज फ्राई हुआ और ड्राई फ्रूट, और थोड़ा सा हम डाल देंगे बटर, और इस तरह से हम साइड से पेपर लगा देंगे और ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारा स्टीम ना निकले इससे। और गैस पे चढ़ा दिए हैं, पकने दें हम 4 से 5 मिनट 16 तवे पे। चेक करेंगे बिरयानी को, देखिए हमारा बिरयानी कितने अच्छे बने हैं। अब हम प्लेट में निकालेंगे, देखिए कितने खिले खिले बने हैं, एक भी चावल टच नहीं है, और चिकन भी हमारा मस्त पका है, देख सकते हैं आप लोग, कलरफुल बिरयानी है। और इसके साथ में हम डालेंगे रायता। और आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।